रद्द कर दिया इन लोगों ने। बादलों ने सब कुछ लूट लिया, पंजाब का खेती लूट ली, रेती मजरी के खेत लूट लिए, सड़कें लूट लिए, स्कूलों का बुरा हाल कर दिया, अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया, सारी बसें इनकी है, बसें लूट ली। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, पूरी की पूरी युवाओं को बर्बाद कर दिया, पूरे के पूरे परिवारों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसके लिए रब भी इनको माफ नहीं करेगा, भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। पूरा पंजाब लूट लिया। मोदी साहब कहते हैं मैं काला धन लाऊंगा। आज अगर पंजाब में सबसे ज्यादा काला धन किसी के पास है तो वो बादलों के पास है। मोदी जी ने गरीब लोगों को तबाही में लगा दिया। मोदी जी कहते हैं 2G घोटाले वाले, कोयला घोटाले वाले लाइनों में लगे हुए। अरे मोदी जी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म बाकी है तो। गरीब किसान लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब मजदूर लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब व्यापारी लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बादल साहब का काला धन दिखाई नहीं देता। मोदी जी या तो 2 महीने के अंदर आप इनका काला धन निकाल दो, नहीं तो पंजाब के अंदर जनता की सरकार बनने वाली है, सारी पंजाब की जनता मिलकर बादलों का काला धन निकालने वाली है। 2 महीने रह गए। मुझे ना तो किसी का गुस्सा है, ना किसी के खिलाफ मैं जिंदगी में गलत लफ्ज बरता, ना मुझे हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं, हर आदमी अच्छा है।